सो माय डियर प्यारे बच्चों, वी हैव स्टडीड टिल आयनिक साइज एंड एटॉमिक साइज। हम अभी तक आयनिक साइज और एटॉमिक साइज को पढ़ चुके हैं। बेटा आज का टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन मैंने आपको बताया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है ना बेटा, ये बेसिकली केमिस्ट्री की जड़ है। अगर आपको ये चीजें अभी आएंगी तभी आगे जाके केमिस्ट्री आएगी, इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान देना जरूरी है। कोई चीज ना आए 50 बार पूछनी जरूरी है, ठीक। और दूसरी बात, इसको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज डू टेल मी और आराम से इसको समझिएगा, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे 2 साल में इन सब की बातें होती रहेंगी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो प्यारे बच्चों, वी विल बी डिस्कसिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, सबसे पहली आपके दिमाग में आएगा कि सर ये एंथैल्पी वर्ड क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी? बेटा एंथैल्पी को एक्चुअली एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी, आज हम केमिस्ट्री में जो भी एनर्जी का यूज या लॉस या गेन एनर्जी का होता है, उसको एंथैल्पी की टर्म्स में बोलते हैं। तो एंथैल्पी समझ लेना, एनर्जी गिवन और टेकन। बेसिकली आगे थर्मोडायनेमिक्स में इसको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि एंथैल्पी है क्या, बट एनर्जी के जो चेंजेस हैं आज की डेट में हम उसको एंथैल्पी के टर्म्स में बोल देते हैं, ठीक। आज के टर्म्स में आजकल उसको एंथैल्पी के टर्म्स में बोल देते हैं। तो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। आप बोल सकते आयनाइजेशन एनर्जी, आप बोल सकते आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं बाय एच, बाय एच। तो बेटे इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको डिनोट करते समय या तो ई आई लिख देंगे, ई आई इज आयनाइजेशन एनर्जी, और या फिर डेल्टा आई एच। ये जो बड़ा सा ट्राइंगल मैं बनाता हूं, इसका मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज, और आई लगा आयनाइजेशन के लिए और एच एंथैल्पी का साइन है। तो इसको डेल्टा आई एच ऐसे लिख देते हैं, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा देखो आयनाइजेशन का मतलब समझो, आयनाइजेशन का मतलब आयन बनाना। यहां हम कटायन एक्चुअली बनाते हैं, ठीक, और उसके लिए जो एनर्जी का यूज होगा उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। लेकिन जब इसको डिफाइन किया जाएगा तो स्पेसिफिक कुछ पैरामीटर्स लेके चला जाएंगे ताकि ये दूसरों के साथ कंपैरिजन में रह सके। तो जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की, एनर्जी की बात की, तो हम बोलेंगे इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, most loosely bound electron from isolated gaseous atom, isolated gaseous atom in its ground state, ठीक है जी। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड, तो सबसे पहले हम इसके एक एक वर्ड की धज्जियां उड़ाते हैं। हम बोला एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन को पुल करना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, ठीक। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड। अब सबसे पहली बात हमारे पास यहां आती है, मोस्ट लूजली बाउंड का मतलब क्या होगा? बेटा मोस्ट लूजली बाउंड जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मोस्ट लूजली बाउंड जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम बोलेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोल सकते हैं बेटे, ठीक। तो जो भी मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? अगली बात, इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, देखो बेटे एक तो हमें आइसोलेटेड एटम चाहिए,
आइसोलेटेड का मतलब क्या, अगर मान लो दो एटम जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो एक एटम ये है और दूसरा एटम उसका ये जुड़ा हुआ है और यहां कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका न्यूक्लियस दोनों के न्यूक्लियस उसको पुल करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा दोनों के न्यूक्लियस उसको पुल करेंगे, ना केवल ये बल्कि ये, पर हमें तो किसी एक एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी होती ना, तो हम ये नहीं चाहते कि ये दोनों जुड़े हुए हों, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे दो दो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस हो, ये नहीं चाहते, इसलिए हमने उसको आइसोलेट करना है, अलग करना है। भले ही बेटा प्रैक्टिकली हम किसी चीज को आइसोलेट कर सके नहीं कर सके वो एक अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, हम कर सकते हैं आइसोलेट नहीं कर सकते एक अलग बात है, ठीक, बट किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें पता है उस समय ये जाके आइसोलेट हो जाएंगे, अब उसको कर सकते हो नहीं कर सकते हो वो अलग बात होती है। हमें हर बॉन्ड की एनर्जी पता होती है कि इतनी एनर्जी देने से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक, तो वो एनर्जी हम इसमें लेके चलते कि हमें इसको आइसोलेट करना, अलग अलग करना है, क्यों करना है, क्योंकि ऐसा ना हो किसी एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि हमें एक एक एटम की कंपैरिजन करनी है, तो हमें आइसोलेटेड चाहिए। अब दूसरी बात, गैसियस एटम क्यों चाहिए, देखो बेटे हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, कोई गैस हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है। मान लो एक सॉलिड को आप एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो पहले तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, फिर लिक्विड से वो गैस में चेंज होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सॉलिड के लिए जो एनर्जी नीडेड है वो सॉलिड से पहले गैस बनाने में भी यूज हुई, पर उससे इलेक्ट्रॉन निकला नहीं। हमें वो नहीं देखना था कि सॉलिड से गैस कितनी एनर्जी से बना, हमें तो ये देखना था इलेक्ट्रॉन किससे निकला, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गैस से निकलेगा, कभी भी सॉलिड से नहीं निकलेगा। जब भी सॉलिड को आप हीट देंगे, फर्स्ट इट विल चेंज इनटू लिक्विड, देन इट विल चेंज इनटू गैस, एंड देन इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड आउट। डायरेक्ट सॉलिड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, ऑब्वियसली पहले मेल्टिंग होगी, एनर्जी दोगे पहले मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग के बाद बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग के बाद अब कुछ और फिनोमेना नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो गैस से निकलेगा ना, तो इसलिए हमें गैसियस एटम चाहिए। हमें ये नहीं करना कि सॉलिड से गैस के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो हमारा कोई फोटे नहीं है, हमें सिर्फ गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना था, ठीक, ताकि हम कंपेयर कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा सिर्फ गैस, तो इसलिए हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम बनाने से पहले जो एनर्जी लगी वो यूज नहीं करनी, हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देखनी है। समझ में आई? और वो गैसियस से निकलना, आइसोलेटेड से ही निकलना है। जब भी मान लो ये बॉन्डेड है तो पहले हीट दोगे, पहले इसके बॉन्ड टूटेंगे, अलग अलग होगा, जब ये अलग अलग होगा तब क्या इलेक्ट्रॉन निकला? नहीं निकला ना, तो कुछ एनर्जी तो यूज हो गई बॉन्ड को तोड़ने में, पर वो इलेक्ट्रॉन निकालने में नहीं हुई भाई, तो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी में नहीं रखेंगे। इसलिए सभी को आइसोलेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नहीं चाहिए, इसलिए हम आइसोलेटेड के लिए देखते हैं, उससे पहले की एनर्जी नहीं देखते, और गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए गैसियस एटम की एनर्जी देखते हैं, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी देखते हैं, बाकी नहीं देखते। एंड द लास्ट बात, इन ग्राउंड स्टेट, देखो बेटे अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक एक्साइटेड स्टेट में हो तो ऑलरेडी वो कुछ ऊपर जा चुका है, उसके ऊपर निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, तब तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना भाई, किसी का इलेक्ट्रॉन किसी स्टेट में हो सकता है, किसी का किसी स्टेट में हो सकता है, तो वो कंपैरिजन नहीं होगा, इसलिए हमें ग्राउंड स्टेट में चाहिए। तो इस डेफिनेशन का एक भी शब्द आपने इधर उधर किया तो नंबर भी वैसे इधर उधर हो जाएंगे, ठीक। तो क्या कहा, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ताकि हम सभी को आपस में कंपेयर कर सकें कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। अभी बोलो बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस बट सर, दो एटम्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो नहीं होती, सो मींस प्योरली आइसोलेटेड एटम तो हम कभी भी नहीं ले पा सकते ना मेरे भाई। एक बात बताओ यार, एक बॉन्डेड एटम में बैठे, मैंने उसको हीट कर दिया तो पहला फिनोमिना क्या होगा, क्या होगा पहला फिनोमिना? बॉन्ड टूटेगा।
बॉन्ड टूटेगा, है ना भाई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। हम ये यहां पर कि भाई वो स्टेबल है नहीं है, हमने कोई ऐसी बात करी? नो सर, हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालने से मतलब है यहां। और वो कहां से निकलता है? वो आइसोलेटेड से निकलता है। कहां से निकलता है? गैसियस एटम से निकलता है। और ऑब्वियसली हम उसको ग्राउंड स्टेट में लेंगे तो कंपैरिजन होगा, अगर एक्साइटेड स्टेट में लेंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा। इसलिए हमें यह लिखना ही यहां पे है आइसोलेटेड गैसियस एटम। हम ये नहीं देख रहे बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, हम ये नहीं देख रहे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, हम ये नहीं देख रहे सॉलिड से गैस कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, वो सिर्फ गैसियस एटम से ही होगा। इसमें कहीं ऐसा नहीं बोला जा रहा कि वो स्टेबल है कि नहीं। समझ में आई बात? यस सर, थैंक यू सर। हमने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दिया गया। अब बेटा एनर्जी देने के तो कई सारे तरीके हैं, आप हीट कर सकते हैं, ठीक, हीट करेंगे एनर्जी दे देंगे, या आप करंट दे सकते हैं, पोटेंशियल दे सकते हैं, या वर्क कर सकते हैं, कोई भी वर्क एनर्जी करंट देके भी तो हो सकता है, पोटेंशियल देके भी तो हो सकता है। तो इसकी एक और टर्म कई लोग पढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, बात सेम ही होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उसी को बोला जाए, बट फर्क क्या है, पोटेंशियल के समय हम ये बोले कितना पोटेंशियल दिया है, कितना वर्क किया, उसमें हमने एनर्जी डायरेक्ट हीट नहीं कर दिया, इसमें डायरेक्ट हीट कर दिया, पर अगर हमने करंट दिया तो, या कोई और तरह का वर्क किया तो इसलिए हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन ऐसे कर देते हैं, इट इज पोटेंशियल गिवन और वर्क डन to eject the most loosely bound electron from isolated gaseous atom। यानी फर्क सिर्फ इतना है, ऊपर मैंने बोला एनर्जी रिक्वायर्ड, तो यहां बोला पोटेंशियल गिवन या वर्क डन, कितना काम किया या कितना पोटेंशियल दिया ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बाकी तो सब कुछ सेम है, ठीक। तो इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज, बोलो ऐसा बताया था कि नहीं बताया था मैंने, ठीक। इसका मतलब यह होगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है या आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। समझ में आई बात? तो बेसिकली अगर ध्यान दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बेटा हमेशा कांस्टेंट ही रहना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहना है ना, वो तो नहीं चेंज हो रहा। क्या इसका मतलब ये है कि एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो आप चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल की टर्म्स में बोलें, आप चाहे एनर्जी की टर्म्स में बोलें, बात वही है, जो इलेक्ट्रॉन जितना स्ट्रॉन्गली हेल्ड होगा उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी चाहिए होगी, और उसी के लिए बेटे आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उतना ही रिक्वायर्ड होगा। बोलो क्लियर? यस सर, यस सर। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट्स की बात करूं तो वो तो एनर्जी है, तो एनर्जी तो हम लेते हैं जूल पर मोल में, क्योंकि हम एक मोल को एज अ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, तो जूल पर मोल, वैसे केली जूल भी हो सकती थी पर हम पर मोल देखते हैं, तो जूल पर मोल इज यूनिट फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका यूनिट ले सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम पर एटम के हिसाब से लेते हैं।
तो यू कैन टेक आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. यू कैन टेक आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट कैन बी जूल पर मोल. ऐसा नहीं है कि हम जूल पर एटम नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है, हम देख सकते हैं, बट बेसिकली हम उसमें फिर पर मोल के हिसाब से चलते हैं. तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट मैंने आपको बताया जूल पर मोल, और वहीं पर आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट बताया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. फर्क कुछ नहीं था, फर्क सिर्फ यह था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज आयनाइजेशन पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब चाहे आपको कोई आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले, अब चाहे कोई आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोले, बेटा सेम ही बात हो जाएगी. क्लियर? उसका ग्रेडेशन तो सेम ही रहेगा ना, वैल्यूज क्योंकि यूनिट्स अलग अलग हैं. आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी में चेंज कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग विद द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल. ठीक, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी एक ही तरह की बात हो जाती है. तो बेटा ये सब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सर यहाँ पे पोटेंशियल स्पेसिफिक एनर्जी के लिए तो नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए. मतलब नहीं समझ में आया क्वेश्चन का. सर यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल में पोटेंशियल वर्ड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो नहीं है ना? नहीं, कोई भी तरह का वर्क हो सकता है बेटा. जनरली हम दो तरह से एनर्जी देते हैं ना बेटा. देखो वर्क तो हम किसी भी तरह से करवा सकते हैं, पर एनर्जी दो ही तरीके से देते हैं, या तो हीट कर देते हैं या करंट दे देते हैं. और कोई तरीका बताओ एनर्जी देने का? तो सर यहाँ पे दोनों के लिए स्टार्ट हो रहा है. ऑब्वियसली सिर्फ डेफिनेशन का ही फर्क है. अब देखो बेटा जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, ये तो समझ में आ गया. अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स. माइंड इट. अब मैं दोबारा आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, कई लोग इसको आईपी बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता आईपी क्या. आईपी इज आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो अब मैं दोबारा इन दो चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा. जो फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी का वही आयनाइजेशन पोटेंशियल का है. अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो भैया आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है. क्लियर? तो इसलिए बार बार इस चीज को हम दोबारा नहीं लाएंगे लाइन. अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती होगी. फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर है? देखो बेटा, सबसे पहला फैक्टर तो होगा साइज. सबसे पहला फैक्टर तो होगा साइज, यानी एटॉमिक साइज. साइज का मतलब एटॉमिक साइज. साइज अगर छोटा हो तो न्यूक्लियस पास होगा तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा. बेटा आफ्टर ऑल एक आपको बड़ी बार मैंने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला कूलम ने दिया था, कहा था, और रादर उसने हमारे पास एक कूलम लॉ आता है, वो कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 आर टू चार्जेस एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक, ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज होता है, और ऑब्वियसली बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है. तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी. और डिस्टेंस कैसे ज्यादा होगा? साइज बड़ा होगा. जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को उतने पास होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा, उतना उसको निकालना मुश्किल होगा. तो सबसे पहली बात क्या होती है, स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज, मोर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. जितना छोटा साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है. जैसे बेटे अगर आप एक पीरियड में चल पड़ते हो, से आपने लिया यहां से बोरोन, फिर लिया कार्बन और फिर लिया नाइट्रोजन, सिर्फ इतना ही ले रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं, इतना ही ले रहा हूं. ठीक, ऑटोमेटिकली ये पीरियड में जा रहे हैं, यहां हम किसमें जा रहे हैं, पीरियड में. तो साइज पीरियड में छोटा होता जाता है. अभी पिछला लेक्चर, अब देखो मैंने तभी बोला ये एक दूसरे संबंधित है, अगर पिछला लेक्चर नहीं आता अगला नहीं आता.
ये नहीं आता उससे अगला नहीं आएगा, इसलिए इंटरकनेक्टेड है और ये केमिस्ट्री की बैकबोन है। अगर इसको छोड़ दोगे तो सब कुछ छूट जाएगा। तो जब हम पीरियड में जाते साइज डिक्रीज करता है, हमने पढ़ा था जब हम पीरियड में जाते साइज डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर ऑर्डर में पूछता तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का ज्यादा देन कार्बन विच इज मोर देन बोरोन होता, सिंपल सी बात। तो जैसे साइज छोटा होगा वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे एक ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबीडियम, सीजियम। अब डाउनवर्ड जाते साइज बढ़ता है, ग्रुप में जाते साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, एनर्जी नीडेड कम होगी। तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की सबसे ज्यादा, देन सोडियम, देन पोटाशियम एंड देन रूबीडियम। ठीक, इन ग्रुप की ज्यादा आसानी से साइज का समझ में आ जाता है। ठीक, बट माइंड इट, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, इज नॉट द ओनली फैक्टर। ठीक, तो डाउन टू द ग्रुप जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करे। देयरफॉर हम ये बोलेंगे, देयरफॉर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस, बिकॉज साइज इंक्रीजेस। अभी ना बीच में ये वाली चोंच मत चलाना, सर वहां एक्सेप्शन थी, ये था वो था, वो तो जहां होगा वो बताऊं भाई मैं, अभी जनरल ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमें ये समझ में आ गया कि जितना छोटा साइज उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, इसलिए जनरली डाउन टू द ग्रुप साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली कम हो। बोलो ये फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल देना। यस सर। ओके, यस सर। सेकंड बात, हमने पहले एटॉमिक साइज की बात की थी, तो स्मॉलर हम ऐसे में लिख सकते हैं ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो गया इसका। ये पहला फैक्टर हो गया हमारे पास। पर दूसरा फैक्टर देखो बेटा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो खींचना किसने है, न्यूक्लियस ने ना। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना है भैया, वो भी तो डिपेंड करेगा ही करेगा। मोर विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एग्जैक्ट चार्ज तो कभी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पा ही नहीं सकते, स्लेटर रूल याद आया। लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे एग्जैक्ट न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगता, क्या लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको मैंने पढ़ाया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, सिग्मा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, वो पढ़ाया था ना मैंने। और मैंने निकालना भी सिखाया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग स्लेटर रूल। तो बेटा इलेक्ट्रॉन खींचना न्यूक्लियस ने, तो अगर न्यूक्लियस ने खींचा है तो न्यूक्लियर चार्ज, या मैं बोलूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी बेटर वर्ड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दूसरी बात हो जाएगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई बेसिकली बात क्या है कि जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड, more tightly held, so obviously ionization enthalpy is more, bhai. तो दूसरा factor क्या आ गया, effective nuclear charge. तो बोलेंगे more is effective nuclear charge, that is that effective strongly, more strongly electrons are held, उतना strongly electron खिंच जाएंगे, and More is ionization enthalpy या ionization energy, यानी Z effective is directly proportional to ionization enthalpy और ionization energy। ये दूसरा factor है। जैसे ये वाला दोबारा explain करना हो मुझे, मान लो boron, carbon, nitrogen, इसको दोबारा explain करना, तो same चीज पे explain हो सकता है। साइज तो छोटा था ही, बट नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा था,
तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ कार्बन, कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा बोरोन से, तो ये दोबारा भी वैसे ही मिल सकता है। पर इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा जी। सर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेस नहीं होगी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो? बताती हूँ, चल बता एक्सप्लेन कर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड हुए हैं तो फिर एनर्जी तो ज्यादा लगेगी ना उनको निकालने के। तो ज्यादा लगेगी तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी? यस। फिर बोलने से पहले सोचो नहीं। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज ग्रेटर। क्वेश्चन आया सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज, आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज ग्रेटर, यानी एक के बाद एक आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है that becomes more and more and more and more and more. So successive ionization enthalpies are always greater. Successive एक के बाद एक, जैसे कि मान लो मेरे पास अल्मोनियम था, अल्मोनियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और उसको अल्मोनियम वन पॉजिटिव बना दिया, तो इसमें हमने लिखा इसमें लगी आयनाइजेशन एनर्जी वन, क्या लगी आयनाइजेशन एनर्जी वन। अब मैंने अल्मोनियम वन पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, वो अल्मोनियम टू पॉजिटिव बना दिया, यहां लगी आयनाइजेशन एंथैल्पी टू, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगी भाई यहां। फिर मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला और इसको बना दिया अल्मोनियम थ्री पॉजिटिव, यहां लगा आयनाइजेशन एंथैल्पी थ्री। तो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है। दीज आर कॉल्ड एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई और हमने ये पढ़ लिया कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज ग्रेटर। क्यों भाई? देखो बेटा सिंपल बात, यहां हम न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन से क्लियर कर लेंगे। अगर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा होगा ही होगा ना। जैसे पहले अल्मोनियम का जेड होगा 13, इलेक्ट्रॉन भी था 13, ठीक, एटॉमिक नंबर ऑफ अल्मोनियम वाज 13, तो इलेक्ट्रॉन भी 13, तो जेड बाय ई वन था। अब मैंने यहां पर बना दिया अल्मोनियम वन पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अल्मोनियम वन पॉजिटिव बना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां पर अब Z तो रहा 13 का 13, बट इलेक्ट्रॉन हो गए 12, तो Z by E इंक्रीज हो गया कि नहीं? अगर Z by E यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली हेल्ड और स्ट्रॉन्गली खिंच जाएंगे, तो उनको देना मुश्किल हो जाएगा भाई, इट विल बी हार्ड टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। वहीं पर हमारे पास यहां आ जाओ, जब ये टू पॉजिटिव बना तो उसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, जेड तो अभी भी 13 है लेकिन अब आपका इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, तो न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, ठीक। अब जब ये थ्री पॉजिटिव बना, तीसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, जेड अभी भी 13 है बट ये 10 हो गया। तो बाय गिविंग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन देते हुए इलेक्ट्रॉन का नंबर तो कम होता है लेकिन प्रोटॉन का नंबर उतना ही रहता है, तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, सो देना मुश्किल। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि एज वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन increases, therefore outer electrons are tightly held, therefore outer electrons are tightly held,
and hence ionization enthalpy becomes more. तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है? तो कह रहा है कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से हमेशा न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर टाइटली हेल्ड और हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती रहेगी, यानी IE1 इज लेस देन IE2 इज लेस देन IE3 कम बट मे आयनाइजेशन एंथैल्पी सक्सेसिव हमेशा बढ़ती चले जाएगी. बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो. यस सर. यस सर. ठीक, तो इससे हमें समझ में आ गया कि क्यों एक के बाद एक आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चले जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है. तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो दूसरा फैक्टर हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया. अब हम तीसरे फैक्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं. मैं ये मिटा दूं भाई. यस सर. फैक्टर नंबर 3. देखो बेटे, अभी हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिना स्क्रीनिंग के कैसे पढ़ा जा सकता है? क्योंकि हमें पता है कि जेड इफेक्टिव विल बी जेड माइनस सिग्मा. तो तीसरा फैक्टर जो होगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर, वो होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट मैंने पिछली क्लासेस में तुम्हें समझाया था कि एक्चुअली स्क्रीनिंग इफेक्ट हम किसको बोलते हैं, कि अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं. पर साथ ही में ये भी कहा था कि कई लोग इसको ये पढ़ा देते हैं कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं टुवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक, बट यहां से एक बात क्लियर है कि हम ये जानते हैं कि हमें जेड इफेक्टिव अगर निकालना होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो जेड माइनस सिग्मा होगा. ठीक, स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन पता है आपको, पिछली बार करवाया था मैंने. दैट इज रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, या शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना बच्चे? अब इसमें सिग्मा जो है इसको मैंने बोला स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट. स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली स्क्रीनिंग ज्यादा होगा तो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा. अगर ये ज्यादा हो गई तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा. स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा. जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी. तो हम यहां से सिंपल बात बोल सकते हैं कि मोर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. मोर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. मोर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, lesser is z effective. Effective nuclear charge उतना कम होगा, and lesser will be the ionization enthalpy. Lesser will be the ionization enthalpy. Ionization enthalpy. यानी ऐसा बोल सकते हो कि screening effect. SE का मतलब यहां पे क्या है? बाद में पूछोगे सर ये SE क्या लिखा है? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है. स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. मोर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो लेसर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, मोर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है. अब इस पे कई सारे आगे एक्सेप्शंस हम डील करेंगे, कई सारे. तो जब एक्सेप्शन डील करेंगे तब समझाऊंगा, लेकिन एक जरूर समझाता हूं बेटे. मैं ऊपर वाला ये मिटा दूं या चलो यही लिख देता हूं, फिर इसको समअप करते हैं. ठीक, अभी और भी फैक्टर्स हैं हमारे पास. तो बेटे देखो, चलो इसको मिटा के करें. इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के बात को समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. से
अगर मैं बात करूं मान लो बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली में फॉर एग्जाम्पल बोरोन फैमिली ठीक, हालांकि पूरी एक्सेप्शन बाद में डील करेंगे अपन, बट अभी सिर्फ बोरोन फैमिली में क्या क्या होता है। बोरोन फैमिली में बोर अटल गाएगा इन थाईलैंड, ठीक है जी, बोर अटल गाएगा इन थाईलैंड। अब जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, अगर मैं अपने एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करूं, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होना चाहिए वो बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, देन अल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थेलियम, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा पॉसिबल होना चाहिए था। बट जब हम इसका एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं, व्हेन वी सी एक्चुअल ऑर्डर ऑफ दिस, एक्चुअल ऑर्डर, जब हम इसका एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं, व्हाट वी फाइंड एज बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, लेकिन सेकंड नंबर पे थैलियम आ जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई, सेकंड नंबर पे थैलियम, उसके बाद भी गैलियम आता है, गैलियम के बाद फिर अल्मोनियम आता है, लास्ट में डियम आता है। अब यहां पे दोनों जगह पे हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है। एक तो थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा क्यों हुई, फिर गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्मोनियम से ज्यादा क्यों हुई। ये दो बड़ी बड़ी एक्सेप्शन हो गए, पहली कि वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थैलियम इज वेरी हाई, व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थैलियम इज वेरी हाई, ठीक, जबकि थैलियम तो सबसे नीचे है, और या फिर व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज मोर देन एल्युमिनियम, जबकि एल्युमिनियम ऊपर गैलियम नीचे। तो ये दो एक्सेप्शन को हमें डिस्कस करना है। देखो बेटे, होता क्या है कि थैलियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, थैलियम की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो 6s2 और उसके बाद होता है हमारे पास 6p1, ठीक। पर बेटा 6p1 से भरने से पहले ना, इसमें भरने से पहले अगर आप और वो प्रिंसिपल के हिसाब से सोचते हो, तो पहले हमें यहां पे 4s को भरना होगा, 4f को भरना होगा, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3, फिर 5d को भरना होगा, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 6p की बारी आती है, फिर 6p की बारी आती है। तो ये तो हो गया एनर्जी का ऑर्डर, ये क्या हो गया एनर्जी का ऑर्डर। और मैं हजार बार तुम्हें समझा चुका हूं कि शेल्स, हम इलेक्ट्रॉन भरते एनर्जी के हिसाब से, पर शेल तो रेडियस के हिसाब से होगा ना, तो रेडियस के हिसाब से देखते तो 4f पहले आता, फिर 5d आता, फिर 6th शेल आता। ये ऑर्डर होता किसका, रेडियस का। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले, ये तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरना था, उससे पहले वी हैव टू फिल दिस एंड दिस, एफ एंड डी, और एफ एंड डी आर पुअर स्क्रीनर्स, हमें पता है मैंने स्क्रीनिंग पावर की बात तुम्हें बताई थी उस दिन, क्या बताई थी, मैंने ये बताई थी कि एस की स्क्रीनिंग पावर मैक्सिमम होती है, एक पी की उसके बाद, डी की उसके बाद, एफ सबसे पुअर स्क्रीनर होता है। तो बेसिकली ये दोनों पुअर स्क्रीनर्स हैं, इनकी स्क्रीनिंग पावर ज्यादा नहीं है, बट बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, स्क्रीनिंग पावर ज्यादा नहीं बढ़ी, सिग्मा छोटा है, जेड बड़ा है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है,
इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाएंगे और उसमें से देना मुश्किल हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका क्या आंसर देंगे आप? इसका आंसर देंगे बिफोर फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन थैलियम, वी हैव टू फिल 4F and 5D, which are very poor screeners, जिनकी स्क्रीनिंग पावर बहुत पुअर है। Before filling the last electron in thallium, we have to fill 4F and 5D, which are very poor screeners. So increase in sigma is very less. So increase in sigma, and what is sigma? Screening constant is very less. So Z effective, which is Z minus sigma, becomes more. Therefore, Z effective becomes more. So electrons are tightly held. And therefore, ionization enthalpy is very high. इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमने ये कहा कि थैलियम में ऐसा होता है भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन भरने से पहले हमें 4F भी भरना है, हमें 5D भी भरना है, और ये पुअर स्क्रीनर होते हैं तो ये ज्यादा स्क्रीन नहीं करेंगे, पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, सो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे तो उसको देना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। सिमिलरली अगर हम गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम में भी तो ऐसे होता है। गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, गैलियम की आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, देखो बेटा बोरोन में 2, फिर 3 और फिर 4, तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1, और ऑब्वियसली 4s के बाद तो 3d बढ़ता है, तो एक्चुअली यहां पे आ जाना चाहिए 4s के बाद 3d10 एंड देन 4p1। ये फिर से एनर्जी का ऑर्डर है, ये फिर से किसका ऑर्डर है? एनर्जी का ऑर्डर है। बट अगर रेडियस के हिसाब से देखें तो रेडियस के हिसाब से अंदर 3d, फिर 4s2, फिर 4p1, ये रेडियस का ऑर्डर हो गया। दिस इज ऑर्डर फॉर रेडियस। So obviously, before filling the last electron in gallium, 3D is filled. And D are poor screeners. So again, same बात लिखो, same कि भैया gallium में last electron भरने से पहले हमें 3D भरना पड़ता है, और 3D की screening power जो होती है वो poor होती है, ठीक। इसलिए स्क्रीनिंग पावर पुअर होने की वजह से हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है, सिग्मा कम होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गैलियम का टाइटली खींच जाएगा, साइज भी छोटा होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। सो बोलो, समझ में आया स्क्रीनिंग इफेक्ट किस तरह से इंफ्लुएंस करता है? यस सर। जसमीत पूछो बेटा। सर हमने इसमें ऑर्डर रेडियस का ही लेना होता है। जी हाँ बेटा, देख ऑर्डर की बात नहीं मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन तो जैसे भी भरेंगे हम, अरे हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भैया उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो लेने पड़ेंगे ना यार। यस सर। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, एनर्जी के हिसाब से कि रेडियस के हिसाब से? सर रेडियस। सिंपल। सो ऐसे करके तीसरा फैक्टर हमने देखा, तीसरा फैक्टर था स्क्रीनिंग इफेक्ट, और उम्मीद करता हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा,
ठीक, सो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है जी, चले आगे। यस सर। यस सर। बेटे सारे बच्चे यस नो करा करो, मैं सिर्फ आराध्या को, नितिन को, इन्हीं को थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ठीक, ये थोड़ी है कि सिर्फ आराध्या बैठी है, नितिन बैठे हैं और हमारे ये जसमीत जी बैठे हैं, आप सब भी तो हैं। पूर्वा मेरे को बिल्कुल एक के बाद एक आंसर देती है, सो दैट इज वेरी नाइस पूर्वा, कीप इट अप बेटे, ठीक, और बाकी सब भी बेटा यस नो करा करो, नहीं तो आप ही लोगों का नुकसान, मेरा क्या जाए, और बाद में क्या है आप लोग मुझे ही कहेंगे ना सर इस समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, तो हम जब बताने के लिए तैयार हैं तो यू मस्ट गिव यस नो, कुछ तो लिखना चाहिए। चलिए अब चलते हैं फैक्टर नंबर फोर पे, फैक्टर नंबर थ्री हमने कर दिया, फैक्टर नंबर फोर और भी मस्त चीज है, ठीक, अब फैक्टर नंबर फोर पे चलते हैं बेटा, फैक्टर नंबर फोर जो आज तक पढ़ा नहीं है, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेनिट्रेशन पावर, न्यूक्लियस की तरफ घुसने की पावर, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की पावर। देखो मैंने आपको मॉडर्न पिक्चर ऑफ एटम बताई थी ना बेटा, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सुपर इंपोजिबल, है ना, तो हर सबशेल का न्यूक्लियस की तरफ घुसने का या पेनिट्रेट करने का पावर अलग अलग है। पेनिट्रेशन पावर जो होती है एस की सबसे ज्यादा होती है, देन पी, देन डी, देन एफ, यानी जो इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं ना वो ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेंट होते हैं, क्योंकि एस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल, सारी तरफ से इक्वली फोर्सेस लगेंगी, सब तरफ फोर्स लगेगी और क्लाउड भी बहुत डेंस होता है, एस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे डेंस, देन पी, देन डी, देन एफ, है ना मेरे भाई, तो एस की शेप भी स्फेरिकल है, एक तो सारी जगह से इवनली फोर्स लगेगी, ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी डेंस होता है, तो काफी अट्रैक्शन अंदर की तरफ रहती है, पेनिट्रेशन काफी रहती है, तो S की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, फिर P की, फिर D की, फिर F की। इसलिए अगर हमारे पास मेन शेल सेम हो, अगर हमारे पास मेन शेल सेम हो तो बेटे S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल और P से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, D से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान, F से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान, बशर्ते मेन शेल सेम, उसमें और चीज आगे नहीं आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, अगर मान लो मैं लेता हूं बेरिलियम एंड बोरोन, बेरिलियम एंड बोरोन, अगर मैं बेरिलियम और बोरोन की बात करता हूं, तो बेरिलियम एंड बोरोन की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो बेसिकली हम लोग ये बोल देते हैं, अगर हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करें, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा, बेरिलियम और बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताना सारे बच्चे, जय जित्य टीस्टा, फटाफट से बताने का, क्विकली, ऑब्वियस सी बात है कि हम पीरियड में जा रहे हैं, हम पीरियड में, यार गलत लिख रहे हो यार आराध्या, गलत लिख रहे हो, ये तो मतलब ये तो सिर्फ तुमने कहीं सुना है तो लिख दिया, अगर मैं आंसर पूछूं तो तुम्हारे से आएगा ही नहीं, आराध्या बोलो आपने कैसे लिखा, बेरिलियम इज मोर हैविंग मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन, टेल मी हाउ कुड यू एक्सप्लेन दैट, बोलो बोलो बेटे, इसीलिए मैं तेरे को थोड़ा सा क्रिटिकली होकर समझाता हूँ,
ठीक, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो लगने पे कभी नहीं जाते, ठीक। कोई भी साइंटिस्ट जो होगा ना वो लगने पे जाता है तो आज तक दुनिया में कुछ भी डिस्कवर नहीं होता। कोई भी आइंस्टीन अगर लगने पे जाता तो बेटा कुछ भी ढूंढता ही नहीं, लगना नहीं है हमें, उसका लॉजिक चाहिए। बिना लॉजिक के कैसे चलेंगे हम, ठीक। हमें यह पता था कि बेरिलियम और बोरोन में बोरोन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, बोरोन का साइज छोटा है। अरे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, साइज छोटा हो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए भाई। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था भाई, एक्सपेक्टेड ऑर्डर मस्ट बी बेरिलियम इज लेस देन बोरोन। हाँ, बट जब हमने एक्चुअली देखा तो एक्चुअल ऑर्डर पाया क्या, एक्चुअल ऑर्डर पाया कि बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। ठीक, मेरे लिए एस्टोनिशिंग था, तुम्हारे लिए था ही नहीं, ठीक। तुमने तो सीधे लिख दिया बेरिलियम बोरोन, हालांकि बोलना कुछ आएगा नहीं इसमें। सो क्यों ऐसा हुआ, वाई बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज्यादा क्यों हो गई, व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन होता होगा। यहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2, ओके, और बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1। अब इन दोनों के फाइनल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेकंड शेल में, दोनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो सेकंड शेल में, यानी मेन शेल से में। बट यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना एस से और यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना पी से, और हमें पता है कि एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, मोर पेनिट्रेशन पावर, और मोर पेनिट्रेशन पावर की वजह से इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस मोर। तो मोर पेनिट्रेशन पावर की वजह से देयरफॉर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मोर अट्रैक्टेड towards nucleus, towards nucleus, and therefore, because it is more attracted towards nucleus, take, hence obviously ionization enthalpy of beryllium will be more than boron. अभी बोलो समझ में आया? Yes sir. बेटे जरा अपने ना दोस्तों से कभी पूछना ही क्वेश्चन, ठीक, या किसी और से पूछना क्वेश्चन, 99% पता क्या बोलेंगे कि ये फुली फिल्ड शेल है। छोटे बच्चे होते हैं ना उनको समझाते हैं ऐसे, जो नर्सरी वाले होते हैं ना उनको समझाया जाता है ऐसे, ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक, वो सिर्फ नोबल गैसेस के लिए हम बोल सकते हैं और कहीं नहीं, और वो भी नहीं होता बेसिकली। पर चलो पढ़ाते समय मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं भी पांचवा फैक्टर यही कराऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, बट येट ऐसा कोई फैक्टर होता नहीं है, ठीक, वो सिर्फ किताबों ने लिख रखा है तो हम भी लिखते हैं, ठीक। बट एनी हाउ पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि पर इसमें एक बात बिल्कुल ख्याल में रखना था कि भाई न्यूक्लियर चार्ज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर न्यूक्लियर चार्ज का बहुत ही फर्क है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज्यादा है, तब तो बेटा उसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो सिर्फ बेरिलियम बोरोन के केस में हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बेरिलियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना एस से, और एस इज मोर पेनिट्रेंट टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, न्यूक्लियस के पास जा सकता है, ठीक। तो न्यूक्लियस के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, न्यूक्लियस ने तो पकड़ने है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, and therefore ionization enthalpy is more. Bolo, clear? Yes sir. Okay. Yes, sir. Yes sir. Okay. Purva, beta, you want to ask what is the full definition for penetration effect? Beta, penetration effect is ki how much electrons are penetrant towards nucleus. इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना न्यूक्लियस की तरफ को घुस सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन पावर, और वो एस की ज्यादा होती है, पी की उससे कम, डी की उससे कम, और एफ की सबसे कम। खैर,
और भी बहुत एक्सेप्शन इस पे होंगी जो आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम अभी सिर्फ फैक्टर पढ़ रहे हैं और उसको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा फैक्टर कहां हमें यूज दे सकेगा, बाकी तो आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई पांचवा फैक्टर मेरे हिसाब से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये पांचवा फैक्टर है। थोड़ा मैं इसको यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां ऑलरेडी हमारे पास जगह है, तो मैं कुछ चीजें अभी मिटाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि बाद में मेरे को इसको कंपाइल करना है, ठीक। तो मैंने पांचवा फैक्टर जो है यहां लिख दिया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की जहां तक हम बात करें, ठीक। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अगर रिपल्शन ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन जो होगा आसानी से दिया जा सकेगा हमारे। सो मोर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मोर इजिली इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन। जितनी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया जाए, एंड देयरफॉर लेसर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा तो उस हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो कम होगी। जैसे बेटे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कैसे होगा। से आई टेक एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप सारे बच्चे ईमानदारी से मुझे बताओ कि आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा। सिर्फ सोच के आराम से ये बताना है कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होना चाहिए। चलो जल्दी बोलो, जल्दी, शाबाश। यस जसमीत, यू आर राइट मेरे बच्चे। यस हर्षिता, ऐसा ही होना चाहिए। यस चैतन्य, ऐसा ही होना चाहिए। ऑब्वियसली ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद में आती है पीरियड में, और ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था कि ऑक्सीजन शुड बी मोर देन नाइट्रोजन। एक्सपेक्टेड ऑर्डर बिल्कुल सही, बट एक्चुअली जब हम एक्चुअल ऑर्डर की बात किए तो हमने पाया कि नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्या हो गया भाई, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन के आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। तो S में दो इलेक्ट्रॉन और P में तीन इलेक्ट्रॉन्स। वहीं ऑक्सीजन की लिखते हैं, ऑक्सीजन की 2s2 2p4, यहां दो इलेक्ट्रॉन्स और यहां चार इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट नाउ। अब देखो कितनी सिंपल बात है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में आ गया आउटर मोस्ट, इसमें रिपल्शन होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। भले ही इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बट इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है भाई। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, यहां तो अलग अलग ऑर्बिटल में। सो नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है भाई।
तो इस वजह से ऑक्सीजन की ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन की कम हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज देयर वर सम इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। एंड माइंड इट बेटा, मैक्सिमम लोग भी इसको इसी पे पढ़ाएंगे कि हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड नहीं है। अरे यार ठीक, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़े, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड इन पीएमटीज। सल्फर का कंपैरिजन दिया गया फॉस्फोरस के साथ। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन से नीचे, फॉस्फोरस नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन फैमिली से में नाइट्रोजन से नीचे। और क्वेश्चन ये दिया था कंपटीशन में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस इज मोर देन सल्फर, बिकॉज नीचे दिया था फॉस्फोरस इज हाफ फिल्ड वेयर एज सल्फर इज नॉट। जैसे ये दिख रहा है, ये हाफ फिल्ड दिख रहा है, और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल भी होता है, लोग पढ़ाते भी यही है। पर ये ए आंसर था, और बी आंसर दिया था एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन सल्फर फील्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एंड दैट वॉज गिवन द एग्जैक्ट आंसर। सो दिस इज एक्चुअली द आंसर, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ करती है। हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इसलिए कि चलो आसान हो जाए बच्चों को समझाना, ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी यस बोलना, और अगर नहीं आया तो नो बोलना, और फटाफट से बता देना। यस सर, आपने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और स्क्रीनिंग इफेक्ट की रिपल्शन में क्या डिफरेंस बताया था? क्या बेटे? सर आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो रिपल्शन होती है और इसमें जो उसमें क्या डिफरेंस था? कोई डिफरेंस होता नहीं बेटा, ठीक। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज एक्चुअली स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा बाइफरकेट करने के लिए, अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन देखे उसको स्क्रीनिंग बोल देते हैं, सेम सबशेल की बोले इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं। जैसे हमने गैलियम के केस में देखा बाहर और अंदर का, तो स्क्रीनिंग की बात की, यहां सेम सबशेल के ही इलेक्ट्रॉन थे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बात एक ही होती है एक्चुअली, तो देख बेटा हमने जब स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाला तो हमने सेम सबशेल की कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो ली थी उसमें, तो एक्चुअली तो वो भी स्क्रीनिंग ही है। बट ये है कि ये समझाने के लिए दो चीज अलग अलग बोल दी कि है एक ही है, फर्क नहीं है, बट थोड़ा सा इजी बनाने के लिए सेम सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का नाम दे दिए, और अगर अंदर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन उसको स्क्रीनिंग का नाम दे दिए, सिर्फ कंसेप्ट को इजी बनाने के लिए। अदरवाइज बोथ आर स्क्रीनिंग इफेक्ट्स। क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओके, नाउ ये पांचवा फैक्टर था, अब छठा फैक्टर, फैक्टर नंबर सिक्स। फैक्टर नंबर सिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक। हालांकि मेरे लिए ज्यादा तवज्जो ये मैं इस पे नहीं देता हूं क्योंकि होती भी नहीं है, बट ये कि क्योंकि सभी टीचर पढ़ाते हैं, सभी जगह ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक, बहुत कम लोग जो है वो इस लेवल तक जाते हैं, सभी सिर्फ इसको इतने में शुरू छोड़ देते हैं फुली फील्ड हाफ फील्ड, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाना जरूर चाहूंगा। आप ये बोलते हैं कि फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जिसमें फुली फील्ड शेल हो, हाफ फील्ड शेल हो, ठीक। ऑब्वियसली फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी का मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी का मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलवेज मोर स्टेबल, देयरफॉर their ionization enthalpies are more, therefore their ionization enthalpies are more. जैसे noble gases की ionization enthalpies highest in their period. जैसे example क्या हो गया, noble gases ionization enthalpy of noble gases are highest in their periods, are highest in their periods, and therefore, because
Why they are highest? Because they have fully filled configurations. Because they have fully filled configurations. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेसिकली ठीक इसी तरह से लोग नाइट्रोजन को भी एक्सप्लेन कर देते, बोलते हाफ फिल्ड है, ज्यादा स्टेबल है, इसमें बोल देते ये फुली फिल्ड एस है, ज्यादा स्टेबल है, अलग इसके फैक्टर्स अलग होते, लेकिन लोग कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 7 फैक्टर बताए। पहला फैक्टर तुम्हें क्लियर किया साइज। साइज में आपको मैंने बताने की ये कोशिश की कि स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहली बात ये बताने की मैंने कोशिश की। सेकेंड फैक्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने कहा मोर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक, सो मोर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज ग्रेटर। तीसरा इफेक्ट तुम्हें पढ़ाया स्क्रीनिंग इफेक्ट, कहा मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तीसरा फैक्टर था, ठीक। और तीसरे फैक्टर में मैंने एग्जाम्पल दिया था थैलियम के लिए, ठीक, गैलियम के लिए, ठीक। चौथा फैक्टर था पेनिट्रेशन पावर, चौथा फैक्टर था पेनिट्रेशन पावर। सो पेनिट्रेशन पावर जिसकी ज्यादा होती है जनरली उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो सकती है। पांचवा फैक्टर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को समझाने की मैंने कोशिश की, कहा जहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ज्यादा होती है वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। और छठा फैक्टर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, और मैंने कहा फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर ऑलवेज मोर स्टेबल एंड देयरफॉर देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर क्वाइट हाई। फॉर एग्जांपल वी टुक नोबल गैसेस एज वेल एज यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन आल्सो। हियर थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया, इस वजह से हो गया क्योंकि पहले मैंने ऊपर वाला मिटाया नहीं था, ठीक, ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गया, बट आप इसको आराम से नोट तो लाइन में किए होंगे। ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। बोलो बेटा सारे फैक्टर समझ में आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी यस करना है सर। जी सर, नोबल गैसेस का साइज तो पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा होता है और वो फुली फिल्ड होती है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज्यादा होती है, तो उनके आयनाइजेशन एनर्जी तो कम नहीं होनी चाहिए थी। नितिन बेटे हम जब क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे, बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही अच्छे से, लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा सोचें जरूर। क्या ये सच है कि नोबल गैसेस का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है? सोचो, इज दैट ट्रू? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सिर्फ उसका वेंडरवॉल रेडियस देख सकते थे, इसलिए हमने बोला था कि उसका साइज हमें रिपोर्ट मैक्सिमम करना पड़ता। अगर हम सभी का वेंडरवॉल रेडियस देख पाते तो मैंने कहा था कि नोबल गैसेस का सबसे छोटा हो जाएगा, बोला था कि नहीं? याद है सर, याद है ना ये बात? तो कोई बात नहीं, आप ये समझ लें बेटा कि नोबल गैसेस में तो आप वेंडरवॉल रेडियस देखने की वजह से उसके साइज को बड़ा बता रहे हैं, एबनॉर्मली बड़ा बता रहे, क्योंकि उसमें वेंडरवॉल रेडियस देख रहे हैं, ठीक। अदरवाइज कंपैरिजन हम रेडियस के हिसाब से करें तो सबको सेम रेडियस देना चाहिए ना? यस सर। तो अगर सेम रेडियस होगा तब तो नोबल गैस का वैसे सबसे छोटा होगा। वो तो हमारी मजबूरी है बेटा कि हम उसमें नोबल गैस में देखते वेंडरवॉल रेडियस, तो ऐसे नहीं बोलना कि साइज इसका बड़ा। वो तो ये है कि साइज इसलिए उसका बड़ा है क्योंकि उसमें रेडियस एंड वेंडरवॉल देख रहे और बाकियों में कोवलेंट या मेटालिक रेडियस देख रहे, वो छोटी होनी थी। अगर एक ही रेडियस देखेंगे तो नोबल गैस का रेडियस जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए भाई। अगर सभी का मान लो वेंडरवॉल रेडियस देखेंगे, सभी का कोवलेंट रेडियस देखे जो प्रदूषित नोबल गैस के भी कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करे जो कि नहीं होगा, या सभी के वेंडरवॉल रेडियस देखे तो नोबल गैस का सबसे छोटा हो जाएगा। बट चलो उसमें इतना पढ़ना ही क्यों, सिंपल बात यह है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होती है दे आर वेरी स्टेबल। कोई चीज स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन देके वो अनस्टेबल क्यों होगी यार, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए मुश्किल ही होगा हमेशा की हमेशा,
तो इसमें क्या होता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है और काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर इस इलेक्ट्रॉन निकालोगे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, बट अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो फिर क्यों इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो। अभी क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन ऑफ एनी स्टूडेंट बिफोर आई मूव फर्दर? ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, और फिर पढ़ेंगे उसकी एक्सेप्शंस एक 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 करके। पहले तो जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, जनरल जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में दो ही चीजें हैं, ईदर वी वॉन्ट टू मूव इन पीरियड और वी शुड गो इन ग्रुप्स। तो हमें ये पता है कि पीरियड में जाते हुए साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है ना जी। ये तो सिंपल बात है कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे साइज छोटा होगा, पढ़ाया है ना साइज आपको, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक। तो उसके हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, उसके हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। और डाउन टू द ग्रुप, अगर डाउन टू द ग्रुप की बात करें तो साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर? तो पीरियड में जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, ग्रुप में जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, जनरल ट्रेंड। क्लियर? लेकिन हमें पढ़नी है एक्सेप्शंस इन दिस ट्रेंड, एक्सेप्शंस इन दिस ट्रेंड। इस ट्रेंड की बहुत सारी हमारे पास एक्सेप्शंस रहेंगी बेटा, ये जो ट्रेंड है इसकी बहुत सारी एक्सेप्शन हमारे पास रहेगी। जैसे सबसे पहले अपन पीरियड के एक्सेप्शंस को पकड़ते हैं। इन पीरियड, एक्सेप्शंस इन पीरियड, तो मैं कोई एक पीरियड लेके चलता हूं, सारे में वही रहेगा। मान लो मेरे पास पीरियड है सोडियम मैग्नीशियम या फिर ऊपर वाले लिखते हैं लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ठीक है जी, ये पीरियड है मेरे पास। तो इसका एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन दिस? What should be the expected trend in this? The expected trend should be neon should be greater than fluorine, fluorine should be greater than oxygen, oxygen should be greater than nitrogen, nitrogen should be greater than carbon, carbon should be greater than boron, boron should be greater than beryllium, and beryllium should be greater than lithium. This must be the expected trend. But जब हम actual trend की बात करते हैं, जब हम एक्चुअल ट्रेंड की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं लिथियम इज लेस देन बेरिलियम, जो कि सही है, बट बेरिलियम इज मोर देन बोरो, ठीक। और फिर
ऑब्वियसली कार्बन इज मोर देन, कार्बन का तो ज्यादा होना चाहिए था, नाइट्रोजन का इससे ज्यादा, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम होती है, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन, यानी पीरियड में जाते हुए हमारे पास दो एक्सेप्शंस नजर आ रही है। पहली एक्सेप्शन ये, ठीक, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वन ऑफ बेरिलियम फैमिली, बेटे मैं अकेले बेरिलियम की बात नहीं कर रहा हूं, बेरिलियम से नीचे पूरी फैमिली ऐसी चलेगी, इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी वन ऑफ बोरोन फैमिली। ये पहली एक्सेप्शन हो, ठीक। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, कि अगर मैं बेरिलियम फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो NS2 रह जाएगी, बेरिलियम फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 हो, NS2 NP1 इधर NS2। तो बेटा जी यहां पर ये हुए दो इलेक्ट्रॉन्स NS में, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। देखो बेटा जब स्कूल में इस कांसेप्ट लिखना होगा तो स्कूल में तो ऐसे लिख देना कि बेरिलियम फैमिली हैव फुली फिल्ड एस सबशेल, हेंस मोर स्टेबल एंड देयरफॉर हैविंग मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी वन। ये स्कूल का आंसर रहेगा, स्कूल में ऐसे ही आंसर दें कि भैया इसमें एस सबशेल फुली फिल्ड है, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको निकालना इजी होता है। पर बेटे एक्चुअल आंसर क्या है, एक्चुअल आंसर जो है वो ये है कि एक तो इन बेरिलियम फैमिली पूरी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम एस सबशेल, एंड इन बोरोन इलेक्ट्रॉन आर टू बी रिमूव फ्रॉम पी सबशेल ऑफ सेम शेल। शेल तो सेम है, सबशेल अलग अलग है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, therefore s electrons are tightly held। एक बात यहां पे s से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहां से p से निकालना है, मेन शेल सेम है, s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है तो न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली खींच के रखेगा। अगर न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली खींच के रखेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मोर ओवर एक और बात भी है, मोर ओवर स्क्रीनिंग ऑफ एस इज मैक्सिमम, सो एस इलेक्ट्रॉन रिपेल्स या स्क्रीन्स पी इलेक्ट्रॉन, So electron in P is not tightly held.
नॉट टाइटली हेल्ड। पहली बात तो ये है कि एक तो बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिमूव फ्रॉम एस सबशेल एंड बोरोन में इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम पी सबशेल, जबकि मेन शेल हमारे पास सेम है। और हमें पता है पेनिट्रेशन एस की ज्यादा होती है, ठीक है जी, तो एस के इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल होते हैं, एक तो ये बात, और ऊपर से ये एस इसको स्क्रीन भी करेगा तो ये लूजली हेल्ड होगा, ठीक, और इसलिए इसको देना इजी होगा, देयरफॉर कैन बी गिवन इजीली, ठीक है जी। और इस वजह से देयरफॉर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम फैमिली इज मोर देन बोरोन फैमिली। दो लॉजिक बताया मैंने आपको, स्कूल में तो ये लिखना है कि बेरिलियम फैमिली हैज फुली फिल्ड एस सबशेल, इतने से काम चला लो स्कूल में। लेकिन एक्चुअली इन डेप्थ नॉलेज की बात करो तो आप बोलोगे बेरिलियम फैमिली में इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम एस एंड फ्रॉम बोरोन फैमिली इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम पी। एस इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, इसलिए मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। मोरओवर एस इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग भी ज्यादा है तो पी इलेक्ट्रॉन विल बी स्क्रीन्ड, सो इट इज नॉट टाइटली हेल्ड। एक तो वैसे पेनिट्रेशन पावर कम, ऊपर से स्क्रीनिंग भी है, सो इट इज नॉट टाइटली हेल्ड, कैन बी गिवन आउट इजिली। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी वन ऑफ बेरिलियम फैमिली इज मोर देन बोरोन फैमिली। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? यस यस सर, आई थिंक सो, मोर देन सफिशिएंटली क्लियर है। यस, आगे चले। लेकिन ये लिख लिया बेटा, ये वाला नीचे। यस सर, वेट कर दो। हाँ जी बेटे जी, एक मिनट, लिख रही हूँ। लिखना है, लिख लो। ओके बेटे, नो नेक्स्ट बार देखिएगा बेटे, ये फर्स्ट बात हमने पकड़ी, इस तरह से नेक्स्ट बात ही करते बात। सेकंड बात है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी टू ऑफ बेरिलियम फैमिली, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी टू ऑफ बोरोन फैमिली। उल्टा हो गया भाई, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इससे मुश्किल था पर सेकंड इससे होगा, क्यों भाई? अब इसको समझते हैं। ऐसा क्यों? देखो बेटा, बेरिलियम जो है वो बेरिलियम वन पॉजिटिव में जब चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी वन है, ठीक। और हमने पढ़ा वो बेरिलियम की ज्यादा है, ऐसे ही बोरोन जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बोरोन वन पॉजिटिव बनेगा, यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी वन है। और हमने पढ़ा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वन, ये पढ़ लिया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वन ऑफ बेरिलियम फैमिली, पूरी फैमिली ऊपर से नीचे तक, इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी टू ऑफ बोरोन फैमिली। लेकिन अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है और अब फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी टू। और यहां मैंने कहा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ बेरिलियम इज लेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ बोरोन। उल्टा चलेंगे अभी अपन, ऐसा क्यों? देखो जी, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन फैमिली की NS2, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचा NS1, यानी यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन रह गए। उसी तरह से यहां पे कॉन्फ़िगरेशन थी NS2, NP1, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचा NS2, यानी यहां पे ये हो गया NS2, ठीक। अब इसमें इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें इससे, अब दोनों में सेकंड इलेक्ट्रॉन S से निकालना है, दोनों में सेकंड इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है? S से। तो पेनिट्रेशन की बात खत्म, स्क्रीनिंग की बात खत्म, तो सिंपल बात है
न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरोन इज मोर. बोरोन फैमिली का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा भाई, उसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होंगे. नाउ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम सेम सबशेल. इलेक्ट्रॉन को सेम सबशेल से रिमूव करना है, इधर भी ऐसे. ठीक, तो ऐसे केस में इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है भाई. ऑब्वियसली बोरोन में 5 प्रोटोन है, इसमें 4 प्रोटोन है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी ही होगी. बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कि आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द सेम एस शेल. सो नो लॉन्गर स्क्रीनिंग, नो लॉन्गर पेनिट्रेशन. सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरोन इज मोर, सो ऑब्वियसली इट्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली हेल्ड नाउ. बाकी फैक्टर लगे नहीं तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. क्लियर? यस सर. स्कूल में आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, बोरोन एक्वायर्स fully filled S subshell. S subshell. और आपको मतलब fully filled और half filled की ionization enthalpy ज्यादा, तो ये स्कूल में बोल सकते हो. स्कूल में ये बोल सकते हो भाई, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब ये fully filled हो गया. fully filled ज्यादा stable होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, ionization enthalpy ज्यादा हो गई. क्लियर? यस सर. पर बेसिक रीजन न्यूक्लियर चार्ज का. अब एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आपने थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन, बेरिलियम एंड बोरोन फैमिली का मेरे को लिख करके भेजना है. कि लिखना पहले कॉपी पे, उसकी फोटो भेजनी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन और बेरिलियम में से किसकी ज्यादा है. थर्ड वन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन की ज्यादा होगी कि बेरिलियम की ज्यादा होगी. फर्स्ट को डिस्कस कर दिया मैंने, सेकंड को डिस्कस कर दिया मैंने, थर्ड अब आप कर सकते हैं. इससे आगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्या इसमें क्या इसमें, यह आपका होमवर्क है बेटा. क्लियर? क्योंकि अभी इसके और बड़े एक्सेप्शन है, ये थोड़े बहुत नहीं, बहुत एक्सेप्शन है. सो नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूड रहेगा, आज इतना ही. आपका एक छोटा सा होमवर्क दिया है जो लिख के मेरे को भेजना है. टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट. सभी बच्चों ने टेस्ट देना है, किसी ने टेस्ट छोड़ना नहीं है. और आज मैं कुछ बच्चों को स्क्रूटनाइज कर दूंगा, बिल्कुल बाहर निकाल दूंगा. जो क्लासेस नहीं लगाते मेरे को नहीं चाहिए. ठीक, जो रेगुलर क्लासेस नहीं लगाते मेरे को नहीं चाहिए. आज मैं कुछ बच्चों को बाहर निकाल दूंगा. ठीक, चलिए. एनी हाउ आप टेस्ट जरूर दीजिएगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर टेस्ट. सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे. मिलते हैं कल ऑफलाइन वाले सुबह 10:30 बजे, ऑनलाइन वाले 3 बजे. और कल डिसाइड करके बता देंगे ऑनलाइन 3 बजे का क्या रहेगा हिसाब किताब, ऑफलाइन ऑनलाइन का कल डिसाइड करके. सर कौन सा टेस्ट है बेटा? आज आपको बताया हुआ है मेरे बच्चे, आज नहीं आपका टेस्ट. सॉरी 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 सॉरी